तो साधारण से शिला है। आप अभिभावकों पर निर्भर है कि हमें मंदिर की मूरत बना दें, किसी की सफलता का जीना बना दें, या फिर अंगूठी का बेशकीमती नगीना बना दें। आपने देखा कि यहाँ न केवल शिक्षु है, प्रशिक्षु है, विद्यार्थी है, प्रशिक्षणार्थी है, बल्कि हमारे आदरणीय प्रवीण कुमार जी के द्रोणाचार्य भी यहाँ हैं, विपिन कुमार जी भी यहाँ हैं। आपने नवादा की इस धरती को उपजाऊ भूमि समझा है, माना है, हम पे भी कुछ है शायद आपने जाना है, तभी तो इस अभूतपूर्व घड़ी को हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आपने अपना कदम बढ़ाया है। हम कुछ बनने के लिए तैयार हैं, हम कुछ बनने के लिए तैयार हैं, हमें कुछ बन जाना है, ये हमने खाना है, आप ही बनाएंगे, ये हमने आज जाना है। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से मैं विनम्र आग्रह करूंगा कि आशीर्वाद के दो वचन के साथ हमें मार्गदर्शन करें, शुभकामनाएं दें, क्योंकि आज हम सभी लोगों को प्रण करना है कि आप आदरणीय चलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस आह्वान में। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं तो यही कहूँगा तो आप लोग बातें भी सुन लेंगे, ठीक है। और यहाँ जो गेस्ट आए हैं, जो इस साल जो यूपीएससी में जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और अच्छी बात यह है कि दो दिन पहले ही हम लोगों ने ये प्लान डिसाइड किया कि भाई पिछले दो साल से मैं देखा हूँ कि नवादा के अंदर काफ़ी टैलेंट है, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे टैलेंट जो है वो यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल टैलेंट है, एक टैलेंट नहीं है यहाँ पे। क्षेत्र में जब हम घूमते हैं, जब जाके देखते हैं गाँव में, तो बहुत जगह पता लगता है कि काफ़ी सारा बच्चा यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई दिल्ली जाके तैयारी कर रहा है, कोई पटना जाके तैयारी कर रहा है। बहुत गाँव में जब हम जाते हैं तो पता लगता है कि कोई स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा किया हुआ है, कोई स्टेट लेवल बैडमिंटन खेले हैं यहाँ पे, कुछ लोग रग्बी वगैरह खेले हैं। और उसी दौरान जब अन्य जगह पे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे यहाँ से अधिकारी हुए हैं और अलग अलग पोस्ट पे, चाहे सरकारी महकमा हो, चाहे किसी प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, काफी आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे कठिन एग्जाम ये है। इसके लिए अन्य जो करियर ऑप्शंस हैं, आगे बढ़ के पढ़ाई के बाद क्या करना है, उसके लिए एक सेमिनार रखा जाए, उसके लिए एक प्रोग्राम रखा जाए,
ये बहुत महीनों से ये चीज हम लोगों को रिक्वेस्ट आ रही थी और हम लोग इस पे विचार भी कर रहे थे। और आप सभी लोग जानते हैं पिछले 1.5-2 साल से हम लोग कोविड फेज में हम लोगों ने पूरा अभी तक अपना समय निकाला है। हम लोगों को ये मौका मिला कि हम लोगों ने जो इस साल के जो टॉपर्स हैं, शुभम हो चाहे प्रवीण हो चाहे सत्या गांधी हो, और कुछ दिन पहले हम लोगों ने जो आपके ही नवादा जिला से जो 110वीं रैंक आई है अर्चना जी, ठीक है, उनको भी हम लोगों ने जिला में बुला के हम लोगों ने उनको सम्मानित किया। और बहुत सारे बच्चों ने उनसे भी इंटरेक्शन किया और बहुत सारे बच्चे ने हम मान के चलते हैं कि उनसे लाभान्वित भी होंगे, उन्होंने जो उनको गाइडेंस दिया होगा। अब बात आती है आज के सेशन के बारे में।